सबसे पहली बात तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप वही रियान सब्जी वाले हैं ना यार, आप कितने क्यूट हैं यार, आप कितने प्यारे हैं यार, इज़्ज़त भाई की आंखें कितनी प्यारी है यार, मेरी बात सुने, आप मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी कर ले। आप इसे शादी करना चाहती हैं? ओ नहीं करने क्या, पहले वाली भाभी को दो तलाक, ये हमारी नई भाभी है, तुम्हारा ना भाई, पहले वाली भाभी को तलाक दे भाई। अगर आपको रेहान ना मिला तो आप मर जाएंगे? मैं मर जाऊंगी। तू मर जाएगी, तू मर जाएगा, तू इसके साथ मरेगा। मैंने इसको जब पहली बार देखा था मुझे प्यार हो गया, oh, no. मुझे इसी से शादी करनी है। नो 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 नो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका सराकी एंकर रिहान, तो आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान, मेरे साथ है फहद भाई। तो फहद भाई अब आप बात करेंगे जी, यहीं पे कर लेना, हाथ में है फिर जी। शुक्रिया रिहान साहब, ये वाला काट देना, फिर दोबारा से कर लेना है जी। अब मैं शुरू करूं दोबारा से? मैं आपने कर लिया ना? नहीं, दोबारा से बोले, ये तो कट जाएगा। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान, मैं आपका सराकी एंकर रिहान सब्जियाला। तो ये वो जैद भाई कहते थे रिहान सब्जियाला, नहीं कहना रिहान सराकी एंकर रिहान कहना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका सराकी एंकर रिहान। तो ये है, नहीं वो नहीं कहना, तू ना कह, ये काट देना सब्जियाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ तू नहीं आओ, उनको मैंने कहा सलाम का वीगर को। अच्छा अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? आपको पता है कि कुछ प्रोग्राम्स मतलब मैं कर रहा हूँ रेहान सब्जी वाले के साथ, और हमारे साथ हमेशा गेस्ट जो है वो चेंज होता है। तो आज हमारे साथ जो है, हमने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि नाजली की सिस्टर जो है मतलब निसरा हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी स्टेज से इनका ताल्लुक है और स्टेज के सुपरस्टार हैं, तो हम निसरा से बात करते हैं। सबसे पहले शुक्रिया निसरा, आपने शान पाकिस्तान को टाइम दिया, रेहान सब्जी वाले को टाइम दिया। सबसे पहली बात तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप वही रियान सब्जी वाले हैं ना यार, आप कितने क्यूट हैं यार, आप कितने प्यारे हैं यार। जैद भाई, फहद भाई इसको रोक यार, ये ऐसे ना करें। भाभी का नंबर क्या है? वो एक काट दे, ये भाभी का नंबर भी। एक मिनट, आप हाथ ना लगाओ यार, मेरी बात आप सामने देखे, आपको लोग देख रहे हैं, ये टीवी पे चलेगा शान पाकिस्तान पे, ते अच्छी बात नहीं है ना आपको। तो आप कितने प्यारे हैं, यकीन करें, मैं इसका मना कर रहा हूं, जान बोल ले, बोल ले, कितने प्यारे हैं। मैंने आपको क्रीम लगाई है, वालों क्रीम बालों में वो आकारने वाली, लेकिन अब आपकी आंखें कितनी प्यारी है यार, मेरी बात सुने, आप मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी कर ले। मैं नहीं करेगा, इसको रोक यार। आप इसे शादी करना चाहती हैं? ओ नहीं करने क्या, तो पहले वाली भाभी को दो तलाक, ये हमारी नई भाभी है, तुम्हारा ना भाई, पहले वाली भाभी को तलाक दे भाई, खाला जी दबाड़ है भाई, उसको तलाक दे यार। वो जो करूं मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, मुझे नहीं पता, प्लीज इसको मनाओ ना, आराम से बैठो, मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ, ओए प्लीज मान जाओ, बंद करे कैमरा रिहान, कैमरा कैमरा मारेगा, ये तू इसको सिखा रहा है, तू उठियो, तू इधर कर, तू कर, मान कर यार, मेरी बात सुने, आप रिहान को पसंद करती हैं? बहुत पसंद करती हूँ मैं। अच्छा, आपने इसको पहली बार कहाँ देखा था? मैंने इसको जब पहली बार देखा था मुझे प्यार हो गया, मुझे इसी से शादी करनी है इसको। शादी बंदे की दीवानी, ये कोई बात है करने वाली मरती है यार, शादी करेगी, वीकर देख रहे हैं वो सारे, यार वीवर को पता है यार तुम हो, यार जानबूझ के कर रही है, मुझे पता है ये सारी शैतान की। अगर रेहान आप इसको नुक्कर में लेकर खड़ा हो तो कुछ समझा रहा था, अगर आपको रेहान ना मिला, फोन करता हूँ किसको? मैं जैद भाई। ओहो सबर तो करो यार, सबर तो करो यार, नहीं मैं आप अगर आपको रेहान ना मिला तो आप मर जाएंगे। मैं मर जाऊंगी। तू मर जाएगी, तू मर जाएगा, तू इसके साथ मरेगा यार, तू चाहता है ये मर जाए? हाँ मर जाए, ना 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 मर जाओ, मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तो को महफूज रखे, आप जीती रहो, अपने बहन भिराओं के पे, बहन भिराओं पे जीते रहो। हाँ दे यार, इन्हें समझा इन्हें। अच्छा, आप अपने परफॉर्मेंस करती हैं थिएटर पे, तो आप ऐसा चाहती हैं कि आप रिहान को अपने साथ ही रख लें? बिल्कुल, बस ये मेरे कपड़े शपड़े उठा लेंगे तो मैं रख लूँ। वाह वाह, कपड़े शपड़े उठा, मैं मोची पावलियों का बालू, तू ना क्या समझा भाई यार, सब्जी भी तो उठाते रहे पागल हूँ मैं, सब्जी भी तो उठाते रहे हो,
सब्जी उठाने ला ये वो रनों के कपड़े थे भाई, मैं जो यही समझना भी ये जो है टमाटर की धड़ी है उसकी बोरी है, इसके कपड़े नहीं है, वो उठा रहा हूं। नहीं मैं नहीं कर रहा ये काम, उससे जड़ी बातें हैं करते चलूं ये मैं चलने में नहीं हूं, उससे तो बात करूंगा। आप मान जाते कि लड़की का दिल ना तोड़े प्लीज, दिलों में तो रब बसता है जी। मैं तेन गल दसा, हां ये सारी चप्पल तेरी वड्डी हुई है, मैं तेन दस रहा ये कह रहा सा शकुल शरीफ लगना, तू बड़ा घुण सा है, तू इन्हें समझाया है साइड पे जाके? मैंने कोई आपको समझाया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा मुझे यार, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ यार। कसम उठाती है? कसम यार आपकी कसम। मेरी कसम ये नहीं, मैं मरा। हाँ देखो वो मैं मरू नहीं, मेरे निकड़े निकड़े बाल है, मैं शादी शुदी के चक्कर में नहीं हूँ। निकड़े निकड़े बाल, निकड़े निकड़े बाल है, मैं फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो बताओ। वो भी चाहती है मेरे भी निकड़े निकड़े बाल हो, मेरे वैसे हो, मैं नहीं करता शादी, शादी के बारे में सोचे नहीं है, वो लाख लाना दे उस बंदे के ऊपर जेड़ा दूई शादी करे। हाँ तो मैं नहीं जा सकती। उसको मार दूंगी। इसको कब? अभी मार दूंगी, अभी। मैं नहीं जा सकती, मेरे को तेरी दवाइयां भाई, तू नहीं रह सकती। मेरे गिरवान ने छात पा रही है, मेरी बीवी की जरूरत नहीं हुई तो तू क्यों हाथ पावे? मैं तो करूंगी, तुम जब तक मानोगे नहीं मैं तो करूंगी, प्लीज प्लीज। दोस्तों ये जो लड़की है ये इस पे जो है ना रिहान पे ऐसे ये समझती है कि मतलब कि मुझे प्यार है जी। दोस्तों देखो ना, एक लड़की का दिल है कि वो रिहान से मोहब्बत करती है, लेकिन रिहान जो है ऐसे क्यों? चप्पल पता है ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम ऐसे ही कहूंगा नहीं चलेगा, तू कहो। अच्छा ये बताएं भाई आप जो है कि भाई इसमें ऐसी क्या चीज है जो आप कहती हैं कि इसी? ओ तू ही बाल माशाल्लाह काफरा, कोई और बात पूछ ले। अब वो कहता कोई और बात पूछ ले। आपने जिंदगी में मोहब्बत किससे की? मैंने बस इनसे किया, मैं नहीं रह सकती इनके बगैर, इनको बनाओ। अच्छा कोई और पूछो। हाँ कोई और पूछ। अच्छा कोई और पूछो। अच्छा निसरा ये बताएं, जब भी आप शीशे में खुद को देखती हैं? मुझे बस ये नजर आता है, बस मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे नहीं पता नहीं है कि मुझे माशाल्लाह पूछते हैं इस फील्ड में कितना अर्सा हुआ है। आप इनू ये पूछ भाई, तू इस फील्ड की में आई है, ये कपड़े कैसे मैं समझ लो, ये बाल की जो बनाती हो, ये सवाल पूछ। अच्छा नहीं सर ये बताएं आप इस फील्ड में किसकी खातिर आई? मैं बस इनके लिए आई हूँ। क्यों पूछता है भाई, किसकी खातिर आई है? अच्छा क्या पूछूं? क्या क्यों आई है? आप जो है हमारे प्रोग्राम में क्यों आई? मैं बस इनसे मिलने। बंद करो। ओ नहीं 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 दो मिनट कैमरा नहीं। अच्छा अच्छा अब वो आपको कुछ नहीं कहेगी, मैं पूछता हूँ, मैं कुछ और सवाल पूछता हूँ। अच्छा निसरा ये बताएं, आपने बताया कि आपको कितना अर्सा हो गया शोबिज में? मुझे तकरीबन 1.5-2 साल होने वाले। 1.5-2 साल में आपकी क्या ख्वाहिश रही है? बस ये। अब ये तो मैंने नहीं कहा उसको यार, वो खुद जो है प्रोग्राम करेगा ही नहीं, बस मैं नहीं करता प्रोग्राम, बंद कर रही हूं। अच्छा आप ख्वाबों में मतलब किसको देखती हैं? मैं बस इन्हें देखती हूँ। मुझे देखती है जेड़ा शादी शुदा है, जिसके 5-7 बाल है, 8 5-7-8 7 बाल है, 7 बाल है। हाँ दो भी वो एक को है। अच्छा एक है दो। कैसे हुआ ये? इसके 5 बच्चे आपको मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है, बस 7 समझावन वाला कोई नहीं है, सारी शरारत तेरी है। नहीं नहीं मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं भाई जान, यकीन करें। आज प्रोग्राम बंद हो गए, मैं तेरा सिर ना पाड़ा तो आंखें तू बच्चा बल बगत चावे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा निसरा मुझे लगता है कि आपके इसके बाद जो है ना आपके जो है ना प्रोग्राम के बाद लगता है मेरी क्लास लग जाएगी, तो आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम पर आई हैं जी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, नए प्रोग्राम में मिलेंगे, बाय बाय टाटा।